हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वो दिन आ ही गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आपको था नहीं, इस्लाम को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली एक काम करने जा रहा हूँ। हाँ, सो फाइनली इस्लाम जा रहा है सऊदी अरब उमरे के लिए। वीज़े के बारे में बताना कि कैसे वीज़ा जर्मनी से। वीज़े की वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता वैसे वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और आपको एक मजे की बात बताऊँ कि जर्मनी में जो है ना कि वीज़ा सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और क्या कहना है लास्ट वर्ड्स? बस दुआ में याद रखिए क्योंकि दुआएं हैं तो अपनी। हाँ, दुआएं इंस्टाग्राम पे आप इस्लाम को फॉलो करके इसको बता सकते हैं, आपकी स्पेशल दुआ कर देगा। और बाकी मैंने दुआएं बता दी हैं अपनी। सो देर ना कीजिए, जल्दी से मैसेज कीजिए ताकि इसके पहुंचने से पहले हो जाए। और पता नहीं वीडियो कब आएगी आपके सामने, लेकिन काफी शॉर्ट्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, बस जाइए ना, क्योंकि घर वालों के साथ जा रहे हैं तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। इन्हों अकेला बंदा जाए तो बंदा फारिग होता है, लेकिन अगर ज्यादा बंदे जाएँ तो फिर ऑब्वियसली फारिग नहीं होता। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टुटगार्ट एयरपोर्ट से फ़्लाइट करवाई थी, क्योंकि उल्म में एयरपोर्ट नहीं है और स्टुटगार्ट एयरपोर्ट उल्म से 2 घंटे के फासले पर है। तो और पिगासस एयरलाइन से भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जिसका डिटेल रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा। तो पिगासस एयरलाइन का ट्रांजिट था इस्तांबुल के पुराने एयरपोर्ट पर, और टोटल 12 घंटे में मैं स्टुटगार्ट से जद्दा पहुंच गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसा कि आप लोगों को कुछ पता होगा कि मैं आया हूँ मक्का में अपनी फैमिली के साथ उमरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग बना लूँ ताकि जो लोग जर्नी है पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए यहाँ पर कैसे जो है ना क्या ट्रांसपोर्ट है, कैसे होटल्स हैं, तो वो सब आपको दिखाऊँगा। उसके बाद कुछ ज्यारतें देखनी है वहाँ भी जाएँगे, और उसके बाद उमरा भी करना है वो भी वहाँ भी जाएँगे, और कुछ शॉपिंग भी करेंगे तो वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप जर्मनी से आ रहे हैं तो बहुत इजी है, आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको 2 मिनट में ईमेल में वीज़ा मिल जाता है, और उसकी कॉस्ट है 113 यूरो। तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा ताकि ईजी हो जाए आप लोगों के लिए अप्लाई करना। और उसकी वैलिडिटी जो है 1 साल होती है और मैक्सिमम आप 90 डेज स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी से आ रहे हैं तो पिगासस एयरलाइन बुक कर सकते हैं, उसके अच्छे रेट्स हैं। 170 यूरो की मैंने बुक की थी फ़्लाइट 1 वे की पिगासस एयरलाइन की जद्दा तक स्टुटगार्ट से। उसके अलावा अगर आप और सस्ता आना चाह रहे हैं तो आप ऑस्ट्रिया से फ़्लाई कर सकते हैं वियना से, वहाँ से 50 यूरो की मिल जाती है वीज़ा एयर। सो लेकिन एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। तो जब आप जद्दा एयरपोर्ट आएंगे तो सबसे पहले आपने अगर आपको सिम चाहिए किससे कॉन्टेक्ट करना है तो आपको एयरपोर्ट से सिम मिल जाएगी। अगर आप तो ज़रूरत नहीं है तो आप बाद में भी ले सकते हैं, मक्का आके यहाँ से सस्ती मिल जाएगी। मैंने एयरपोर्ट से ली थी 70 रियाल्स की, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। जो है अगर आपने करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एयरपोर्ट से करवाएं, क्योंकि वहाँ पर अच्छा रेट था, 3.94 जो रेट था यूरो से रियाल का। तो वैसे जर्मनी में ना रेट कम है और बाकी जगहों पर भी रेट कम है, तो एयरपोर्ट पर अच्छा रेट है, तो आप लोग एयरपोर्ट से करवा लें तो अच्छा रहेगा। आप लोगों ने मक्का आना है तो मक्का आने के लिए आप लोग जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो बस खड़ी होंगी, टैक्सीज बहुत खड़ी होंगी, तो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, या जैसे पाकिस्तान में ही होता इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो वही सीन है। लेकिन आपने अगर तो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो आप बस वाले आपको बिठा लेंगे, लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे आए हैं ई वीज़ा पे तो बस वाले आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। उसके लिए आप अगर तो आप दिन में आए हैं तो ट्रेन भी आती है मक्का में, आप वो बुक कर सकते हैं, 30-40 रियाल की टिकट है। और उसके अलावा आप टैक्सी में भी जा सकते, टैक्सी अच्छा ऑप्शन है, मतलब शेयर करके हमने शेयर किया था तो 75 रियाल दिए थे उसने मेरे से, रात का टाइम था 2 बजे का, तो आप टैक्सी से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जिस टाइम उमरा करना चाहते हैं उस वक्त आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पास लेना पड़ता है। नुसुक ऐप है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करके पास ले सकते हैं। और क्योंकि हरम में किसी भी टाइम वो आपका चेक कर सकते हैं, अगर ना हो तो मैंने सुना फ़ाइन भी हो जाता है। और यही ऐप जो है, अगर आप रियाजुल जन्ना में 2 नफल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और इसकी बहुत डिमांड होती है, आपको पहले से बुक करना पड़ता है, आप उसी वक्त जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, तो इसका ध्यान रखिएगा। सो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने से कुछ देर पहले पायलट अनाउंस करता है कि मीकात का पॉइंट आने वाला है, तो आप जो है अपना आराम बांध लें और नियत कर लें। तो अगर आपके पास आराम है तो आप उसी वक्त बांध लें जहाज़ में। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं मस्जिद आयशा चला गया था लैंड करके, जो कि हरम की बाउंड्री के बाहर है और ये मीकात का पॉइंट है, तो मैंने यहाँ जाकर आराम पहन के नियत कर ली थी। ये बस स्टॉप है मेरे पीछे और आप देख सकते हैं क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा होगा, तो
बस स्टॉप से क्लाक टावर मक्का जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो कि 5-6 मिनट की वॉक है। अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी कुछ बोला था वीडियो में, लेकिन मेरा माइक जो है ऑफ था, मुझे पता नहीं चला, जो जिसकी वजह से वीडियो ज़ाया होगी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस पर। सो एहराम बांध कर मैं आ गया हरम उमरा करने के लिए, और अगर आपको तरीका नहीं आता तो आप यूट्यूब या किसी बुक से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने तवाफ़ करना है खाना काबा की, जो कि 7 चक्कर होते हैं। उसके बाद आपने 2 नफल पढ़ने हैं मुकाम इब्राहिमी के पीछे, और आबे जमजम पीना है। फिर आपने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने हैं, और फिर आपने जो है, अगर आप मेल हैं तो आपने अपने बाल कटवाने हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने एक फिंगर टिप जितने बाल जो है खुद ही काट लेने हैं। और खाना काबा में तो हर वक्त ही जो है ना रश रहता है। हम टाइम ढूंढते थे कब रश कम हो, लेकिन हर वक्त ही रश रहता है। और खाना काबा को हाथ लगाने के लिए, हिजरे असद को हाथ लगाने के लिए तो आपको बहुत तगोदो करनी पड़ती है। तो मैंने भी खाना काबा तो हाथ लगा लिया अलहमदिल्ला, लेकिन हिजरे असद को हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल था। काफ़ी जो है लड़ाई हो रही थी वहाँ पर, तो नहीं मैं लगा सका। और मैं काफ़ी लकी था क्योंकि मक्का में इस वक्त बारिशें चल रही थी, और मुझे बारिश में भी उमरा करने का इतकाफ़ हुआ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आप देख सकते हैं। और हरम के सराउंडिंग में आप देख सकते हैं ये क्लाक टावर और काफ़ी होटल्स हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो हमारा होटल थोड़ा सा दूर था यहाँ से। सो सऊदी अरब पहुँच कर मुझे पहला सरप्राइज़ ये मिला कि मुझे तो लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान ही आ गया हूँ, क्योंकि हर वक्त हर तरफ जो है पाकिस्तानी लोग थे, उर्दू बोल रहे थे, और शॉप पाकिस्तानी है, रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी है। और अगर आपको इंग्लिश या दूसरी अरेबिक लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप अच्छी तरह जो है ना आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उर्दू ज़्यादा बोली जा रही थी अरेबिक से, और टैक्सी वाले भी अरेबिक, सो अच्छा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान हो। सो सऊदी अरब ने रिसेंटली अनाउंस किया कि अगर आप विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं तो आप आबे जमजम अपने साथ नहीं लेके जा सकते, सिर्फ उमरा या हज वीज़ा वाले लेके जा सकते हैं, जो कि वेट में काउंट नहीं होता। लेकिन मैंने थोड़ा सा आबे जमजम जो है, जो बड़ा बैग होता है, उसमें पैक कर लिया था, तो वो मैं साथ ले आया। ये रहा हमारे होटल का व्यू, और हमारा 29th फ्लोर पर रूम था, और हमने एक फैमिली रूम लिया था क्योंकि मेरी फैमिली भी साथ थी। ये होटल के काफ़ी फ़ायदे थे, यहाँ से हर वक्त शटल सर्विस चलती रहती है हरम जाने के लिए, बेशक रात हो या दिन हो, सो वो फ्री में आप जा सकते हैं। और होटल के अंदर आपको शॉप्स, कॉफ़ी सेंटर, बेकरी और काफ़ी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। और यहाँ पर बच्चों का किड्स एरिया भी है, और मेरा भतीजा है ये मुस्तफ़ा, जो के कहता है हर वक्त मुझे यहीं पे ले जाओ ताकि मैं बच्चों के साथ खेलता रहूँ। सो वैसे तो होटल के अंदर जो है रेस्टोरेंट था, लेकिन आप अगर बाहर निकलें तो बाहर भी आपको काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, पाकिस्तानी भी और दूसरे भी। सो हम लोगों ने काफ़ी ज्यारतें भी विज़िट की, और यह है गारे सूर, जो कि काफ़ी फेमस है, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर रहे थे तो उन्होंने कुरैश से यहाँ पनाह ली थी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और ये मक्का से 8 किलोमीटर दूर है। और ये है जबले अरफात, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आखिरी खुतबा दिया था, जिसे खुतबातुल विदा भी कहते हैं। और हज में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हज के 9वें ज़िलहज को सब हाजी यहाँ पर जमा होते हैं, और यहाँ पर खुतबा दिया जाता है, और हाजी सारा दिन यहाँ पर स्पेंड करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और ये है ज़ुबैदा कनाल,
जब मक्का में खुशहाली हो गई थी तो ये कनाल बनाई गई थी मक्का और उसके सराउंडिंग एरिया को पानी सप्लाई करने के लिए। और ये है मीना के कैंप्स जहाँ पर हाजी स्टे करते हैं, और यहाँ पर हाजी जो है शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। और ये है जबले नूर, और इसकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर गारे हीरा है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी, और आपको गारे हीरा तक जाने के लिए 3-4 घंटों की हाइकिंग करनी पड़ती है। सो जब आप उम्रे पर आते हैं तो शॉपिंग तो मस्ट है क्योंकि आपने तस्बीहां, जाए नमाज और टोपियाँ वगैरह लेनी होती हैं रिश्तेदारों के लिए। सो होटल के पास काफ़ी शॉप्स हैं, यहाँ से आप जो है ले सकते हैं चीज़ें। और एक जाए नमाज का रेट 10 रियाल है, और तस्बीह जो है 3-4 रियाल की आपको मिल जाती है। और यहाँ पे शॉप्स वाले पाकिस्तानी या बांग्लादेश होते हैं तो आप उनसे कम ज़्यादा भी करवा सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का का विज़िट पूरा हो गया। सो मैंने 5 उम्रे किए और 3 तवाफ़ किए। सो अब मैं आया हूँ ये यहाँ से टिकट लेने के लिए मदीना जाने के लिए। ये सबको का बस स्टॉप है, यहाँ से आपको मदीना की टिकट मिल जाएगी जिसकी प्राइस थी 69 रियाल। सो आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि मक्का के पहाड़ ग्रीन हो गए। सो बाकी ये बात दुरुस्त है, बारिशों के बाद पहाड़ ग्रीन है। और मदीना की मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई व्लॉग्स के लिए, लेकिन मैंने स्टेटस काफ़ी बनाए हैं जो कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। और अगर आप मदीना जाएं तो सबकी ख्वाहिश होती है कि रियाजुल जन्ना में 2 नफल पढ़े जाएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़े और रोज़ा रसूल देखने की सआदत भी नसीब हुई। और मदीना खजूरों के लिए काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बाग्स हैं खजूरों के। सो यहाँ से हमने खजूरें भी काफ़ी ली। सो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना विज़िट करके काफ़ी अच्छा लगा, वो भी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा लगा। सो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं रियाद क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई होता है। सो वहाँ पर भी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। सो सी यू ऑल इन रियाद, अल्लाह हाफिज़।